हेलो गाइस, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन स्मार्टफोन टेक। तो गाइस, जो आज का टॉपिक है कमोडो रोम की रिव्यू वीडियो है। हाँ भाई, यही प्रोनाउंस है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ कि भाई स्पेलिंग KOMODO, सो करेक्ट कमोडो ही है। वर्जन 2.7 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू फॉर आर पोको F1 देखो, और प्लस जो जेनोस का गाइस कर्नल वो मैं यूज़ कर रहा हूँ R5.1 जो आई मीन टेस्ट बिल्ड है। सो इसी की टोटल रिव्यू वीडियो होगी गाइस। ये जो मेन इसका मतलब मुझे इस रोम की प्लस कर्नल की तो बाद में डिस्कस करूँगा, कर्नल मुझे बहुत अच्छा लगा। जो रोम की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि भाई जो चाहते हैं कोई ऐसी रोम जिसमें टेम्परेचर मैनेजमेंट सुपर्ब हो, बहुत बढ़िया टेम्परेचर जो आपका है, मतलब कम से कम बहुत कम हो अगर कह सकते हो, वाइल गेमिंग जो मेन प्रायोरिटी हर मतलब गेमर की होती है, अगर कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ कर रहा है तो कम से कम हीटिंग इशू आए, मतलब हीट कम से कम हो। देखो वो तो होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो बड़े से बड़े डिवाइस हीट होते हैं, बट थोड़ा कम हुए वो पता है यार, जैसे मतलब गेम खेल रहे होते हैं पीछे गर्म होता है, मतलब अजीब सा लगता है, जैसे आप टच करोगे पीछे तो सही नहीं लगेगा। सो इसी की मतलब कमोडो जो आपकी रूम है वर्जन 2.7 उसकी टोटल रिव्यू वीडियो है। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं स्टेटस बार से। यहाँ पर देखो आपको लोकेशन, डार्क थीम, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्विच डेटा, स्क्रीन कास्ट, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, लाइव कैप्शन का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है और बहुत कुछ है, फेस अनलॉक, आईआर फेस अनलॉक, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हॉटस्पॉट, इनवर्ट क्लोज, तो सारा आपको मिल जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है, जैसे CPU इन्फो हो गया, आपका FS इन्फो हो गया, जो छोटी मोटी मतलब हर रूम्स में ये छोटा मोटा फीचर्स अवेलेबल होता है, बट इसमें नहीं है। और यहाँ पे हाँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है, बट इंटरनल साउंड आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो ये इसकी सबसे देखो, जैसे आप रिकॉर्ड मतलब स्टार्ट करोगे इसको तो कोई भी आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा इंटरनल साउंड का, तो ये थोड़ा यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है इस स्क्रीन रिकॉर्डर की। तो आप यूज़ कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स, वो ज़्यादा सही रहेगा अगर आपको यूज़ करना है, सो वो परफेक्ट रहेगा। वो करंटली मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो ये तो आपको हो गया। ऊपर यहाँ पे जो आपके क्यूएस टाइल्स है, तो एक तरह से स्टेटस बार और डार्क थीम सारा यहाँ पे आपको वर्किंग होगा। अब फटाफट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके मेन बेंच मार्क्स की। विद जीनोस कर्नल 5.1 बहुत अच्छा कर्नल लगा यार। जो जीनोस की प्रोफाइल्स हैं हमेशा प्रेफर करते हैं, कोई भी कर्नल यूज़ कर रहा हूँ बैलेंस में, CPU और GPU 50% पे मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर मैनेजमेंट और अच्छा होगा और कम होगा, चाहे कोई भी आप मतलब DRG कर्नल मैनेजर यूज़ करो, कोई भी, तो हमेशा प्रेफर करता हूँ बैलेंस पे रखा करो, जो मैंने इस टाइम करंटली रखा हुआ है। 3D मार्क का फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो आपके बेंच मार्क्स है अच्छा है, OpenGL 3.1 ऑलमोस्ट 5000 का है विद दिस कर्नल, कोई और कर्नल यूज़ करोगे DRG लॉरन कम से कम 40-4900 आएगा। हाँ मानता हूँ 100-200 का डिफरेंस है, बट स्टिल ये आपके सामने बेंच मार्क्स है। और वुल्कन भी अच्छा है भाई, 4600 का है, बट स्टिल आई एग्री सब कुछ इस पर डिपेंड नहीं होता, बट भाई कर्नल के साथ अगर जीनोस कर्नल के साथ ऐसे बेंच मार्क्स आए तो समझ लो कि कर्नल बहुत अच्छा है यार। मैं कोई ये नहीं कह रहा मतलब किसी की भाई साइड वाइड नहीं ले रहा, बट स्टिल टेम्परेचर मैनेजमेंट हर चीज़ इस कर्नल की मुझे अच्छी लगी है। रोम की मानी जाती है, बट स्टिल यार कर्नल एक तरह से खाट होता है रोम का। तो ये आपका हो गया फटाफट। यहाँ पे हम गीक बेंच की बात कर लेते हैं। गीक बेंच भी बहुत अच्छा है, आप खुद देख सकते हैं, सिंगल स्कोर 523 है, मल्टी स्कोर आपका 2330 2330 जो सही है, ये आपका हो गया। हाँ मैं इस प्रोफाइल यहाँ पे आपकी वही रिस्टोर करना पड़ेगा आपको, जो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, हाउ टू फिक्स सीरीज प्रोफाइल जो आपकी फॉल्स है। तो इधर तो करंटली यहाँ पे आपकी ट्रू आएगी सब कुछ, क्योंकि वो मैच आई मीन जो फिंगरप्रिंट है उसको मैंने रिस्टोर कर रखा है। तो ये आपका हो गया मैच का। अब फटाफट आपका बेंचमार्क सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट यहाँ पे हम गाइस बात कर लेते हैं जो सेटिंग्स की है उसकी, आई मीन कस्टमाइजेशन है। फटाफट नेटवर्क सेटिंग्स यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। हाँ कमोडो का ड्रैगन्स पैनल्स ऐसे कुछ है, PANELS, यहाँ पे आई मीन कस्टमाइजेशन का आपको अलग से ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ी रूम भाई एक तरह से इंडोनेशिया से नीचे लिखा हुआ है, ओरिजिनल फ्रॉम इंडोनेशिया। और एप्स एंड नोटिफिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ बैटरी में जाओगे तो यहाँ पे कोई थर्मल प्रोफाइल्स का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। डिस्प्ले में आपको हम जाएंगे तो डार्क थीम, नाइट लाइट, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। और ये आपको इसमें हाँ नॉच बिहेवियर का मतलब हिडन नॉचेस करनी है, वो अगर आपको नॉच हिडन करनी है तो वो भी आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है, तो अच्छी चीज़ लगी। कस्टमाइजेशन ठीक ठाक है, टैप टू है कि सर आपको इधर ऑप्शन मिल जाएंगे। बैक आने का साउंड में जाओगे, यप आपको यहाँ पे लाइव कैप्शन तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और आपको नीचे साउंड एनहेंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो ठीक है अच्छी बात है। आपका शोरूम में जाओगे प्राइवेसी में ज़्यादा कुछ नहीं है, लोकेशन में कुछ नहीं। हाँ सिक्योरिटी में जाओगे फेस अनलॉक अवेलेबल है विद IR, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी आपको दिखा देता हूँ मैं। फास्ट है, एफिशिएंट ऑब्वियसली यार, IR तो फास्ट ही होगा, तो आप फिंगरप्रिंट सब कुछ यहाँ पे सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिंगरप्रिंट और IR फेस अनलॉक की स्पीड की, दोनों अच्छी है एफिशिएंट है, आती तो जरूर आपको बताता बट ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट्स पे जाओगे एक्सेसिबिलिटी आता कुछ नहीं, डिजिटल वेलबिंग में कुछ नहीं है। हाँ सिस्टम में जाओगे कोई आपको सिस्टम रिलेटेड ऐसा आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और गेस्टर्स में जाओगे तो वही आपके AOSP गेस्टर्स एंड्रॉइड, क्योंकि यप आपको फुल स्क्रीन गेस्टर का सपोर्ट मिलता है, जो इस टाइम मैंने इनेबल कर रखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा फीचर। ये भी किसी किसी रूम्स में है, पोको फोन के जितने भी तक एंड्रॉइड की रूम्स हैं सब में अवेलेबल नहीं है,
जैसे पैनड्रॉइड क्वार्ट्स इन सब में अवेलेबल आपको मिल जाएगा, बट साइड रोम से अवेलेबल नहीं है। तो कोमोडो के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में जाओगे, फटाफट अबाउट कोमोडो है, जो भी मेंटेनर है, जो भी डेवलपर है, जो भी फाउंडर है, डिवाइस मेंटेनर, यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्पेसिफिक डिवाइस के, रेडमी 5A, रेडमी नोट 8 सारे आपको मिल जाएंगे। स्टेटस बार में फटाफट जाओगे, कैरियर लेवल सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टमाइजेशन ठीक ठाक है, डिसेंट है। थीमिंग में जाओगे, जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना कर सकते हो, स्टेटस बार का जो एक्स लार्ज है, मतलब स्टेटस बार हाइट आई मीन, और यूआई रेडियस भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और क्विक सेटिंग्स में तो आपको एक क्वेस्ट टाइल्स मिल जाएगी आपको, ये ज़्यादा आपको कुछ नहीं है। बटन्स में जाओगे तो वही आपका प्लेबैक कंट्रोलर, वेक डिवाइस, गेस्चर्स में वही आपका सेम ही इनवर्ट लेट, बट इस टाइम मैं कर नहीं रहा, मैं दूसरे एंड्रॉइड की गेस्चर्स यूज़ कर रहा हूँ। लॉक स्क्रीन में हाँ, FB अनलॉक अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फेस अनलॉक यूज़ कर रहा हूँ। और नोटिफिकेशन में हेड्सअप, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम यह है कि एज लाइटनिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। ओके, सो एम्बियंट लाइट में जाओगे, नहीं है ये, सॉरी एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, मैंने शायद ना देखा नहीं है, सॉरी एज लाइटिंग, अरे यार देखिए और निकल गई, एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन भी वो रहता है, कॉर्वेस में भी नोटिफिकेशन के आप सेटिंग में जाओगे तो मिल जाएगा, जब गलती होगी। और इतना ध्यान इतना गज मतलब, और एनिमेशन यहाँ पे आपको बैटरी सेक्शन में जाओगे, हाँ स्मार्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है, कोई भी जैसे लिमिटेड पे आपको सेट करने से 80% जो भी ट्रिगर आपको सेट करना है कर सकते हो, जो मुझे अच्छा ऑप्शन लगा है इसमें। और यहाँ पे जाओगे तो आपको हाँ गेम मोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये तो आपके कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं मेन जो से गाइस, परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप की। बैटरी बैकअप से स्टार्ट करते हैं, एक्टिव डेट विद दिस कर्नल गाइस एक्सीलेंट है यार, 6-7% ओनली, कभी कभार तो 6% भी रहता है, वो आपके बैटरी पे डिपेंड है कि आपकी बैटरी की हेल्थ कैसी है। मेरी तो ठीक है क्योंकि मैं ज़्यादा आपको पता पोको F1 यूज़ नहीं करता, कभी कभार ओनली रिव्यूज़ वीडियो के लिए मैं पोको F1 यूज़ करता हूँ, आपको पता है जो मेरा डेली ड्राइवर है या 1+70 आई फोन 11 हो जाता है, पोको F1 ओनली मैं रिव्यू वीडियोज़ के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे 1-2 दिन कर लिया तो इसलिए मेरी बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो उसके हिसाब से देखा जाए एक्टिव डेट मेरा सिर्फ 6-7% है इस टाइम करंटली, और स्क्रीन सब कुछ आप देख सकते हो। और विद गेमिंग विद जेनोस कर्नल जो गाइस मेरा एक्टिव डेट था ना विद गेमिंग ओनली 25-27% था, और टेम्परेचर ओनली 39-40% का टेम्परेचर था गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ये रोम जो इसका मेन एक रोम का एक हर रोम का एक मोटिव होता है ना, ये परफॉर्मेंस अच्छी है कुछ अच्छा है जैसे सिग्नेचर होता है सिग्निफिकेंट है, ये जो गाइस रोम है ये टेम्परेचर मैनेजमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट है, कहने का मीनिंग है कि जो इसका टेम्परेचर मैनेजमेंट है ना वन ऑफ द बेस्ट में से है, जैसे और रोम से अगर आप कंपेयर करो, मैं कंपेयर नहीं करेगा, एज अ सजेशन आपको दे रहा हूँ कि सबसे बेस्ट कस्ट आई मीन वो इसकी टेम्परेचर मैनेजमेंट है। और प्लस अगर आप कोई अच्छा कॉम्बिनेशन यूज़ करो, और मैंने जैसे कॉम्बिनेशन यूज़ करा जेनस कर्नल, तो भाई तबाही है फिर, क्योंकि आप खुद देख सकते हो मेरा इस टाइम वो तो करंटली मैं 31-31, वैसे अगर आप विदाउट कूलर या एसी में आप इसको यूज़ करोगे आपको पता टेम्परेचर कितना रहेगा, सिर्फ 34-36%। और कर्नल्स यूज़ करोगे कोई और रूम यूज़ करोगे उसमें आपका एवरेज टेम्परेचर रहेगा 37-38%। इसमें क्योंकि कर्नल अच्छा है, रोम भी ऑब्वियसली आपको हिट आई मीन टेम्परेचर मैनेजमेंट उसमें बहुत अच्छा है इस रोम में, अगर आप कोई अच्छा कॉम्बिनेशन उसके साथ यूज़ करोगे तो वो और आपको एक्सलेंट परफॉर्मेंस और वो देगी। तो परफॉर्मेंस का आपको मैंने क्लियर कर दिया, और परफॉर्मेंस है मुझे हाँ थोड़ी बहुत FPS ड्रॉप तो हर चीज़ दिखते बट उतने कोई भारी FPS ड्रॉप नहीं थे, और दूसरी बात कोई टच इश्यूज़ नहीं था जो मेरा पबजी एक्सपीरियंस है, कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। एज अ गेमिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो इस रोम को, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपेटिटिव गेमिंग के लिए कोई बहुत अच्छी है, कभी कभार एज अ कैजुअल गेमिंग आपको जैसे मैं कहता हूँ ओके है, प्लस जो हर गेमर ढूंढता है कि भाई हीट कम से कम हो एक स्पेसिफिक डिवाइस में होएगी बट कम से कम हो वो सही है, वो आप एज अ यूज़ कर सकते हो कि टेम्परेचर मैंने मुझे बहुत सा लगा है फिर जनरस करना। और जो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ज़्यादा कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं, सब कुछ ओके है, डे डेवल की तरह तो भाई बहुत अच्छी है टेम्परेचर के मामले में बहुत अच्छी है, अरे कोई आपको दिक्कत नहीं आई यूज़ कर सकते हो। जैसे AX हो गई आपकी, अलग रोम्स है ना उसमें से ये भी रोम गिनी जाती है, अगर आपको गेमिंग के लिए चूज़ करना ऑप्ट करना है विद आपका जो टेम्परेचर है कम से कम लेस होए तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है जीनोस के साथ बहुत कम टेम्परेचर है इसका यार, ऑलमोस्ट जैसे अराउंड मैं आपको बताऊं तो 39-40% का था विद गेमिंग यार, और एक्टिव ड्रेन तो बहुत कम था इसका जो आपको बताया सिर्फ 25-27%, क्योंकि कर्नल का जो कॉम्बिनेशन है प्लस रोम में अच्छी यूज़ कर रहा हूँ। सो एज अ कंक्लूजन आप यूज़ कर सकते हो कंपेटिटिव गेमिंग के लिए, देखो मैं आपको पता ज़्यादा रूम से सब खेलता नहीं कस्टम रूम्स बट मुझे ठीक ठाक लगी है जो आपके कमोडोर रूम है भैया प्रोनाउंसिएशन अगर बात करो तो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई, और सब कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो गाइस अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, गाइस वीडियो को भी शेयर करना भूलना, फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड गाइस ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। सो गाइस मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।